नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर। चला चला चला, फास्ट ट्रैक बंद करा। दोस्तों, मानसून शुरू हुआ, बारिश शुरू हुई, दो दिन हुए और दो दिन में बवाल मचना शुरू हो चुका है। ये बवाल क्यों मच रहा है, तो उसके पीछे कारण है मिसमैनेजमेंट, अव्यवस्था। बारिश शुरू होते ही मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं और इसको लेकर कल बड़ा जाम लगा था, आपने खबरों में देखा होगा। उन गड्ढों की वजह से, हालांकि मुंबई हाईवे पर इस समय कॉन्क्रीटीकरण का काम शुरू है और वो काम काफी लचर पद्धति से किया जा रहा है। बारिश के पहले काम पूरा किया जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ और इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। दो दिन से वहां पर काफी लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही है और हम सभी जानते हैं कि वसई अंतर्गत कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र पर्यावरण सेल के अध्यक्ष समीर वर्तक लगातार आवाज उठाते रहे हैं पिछले सालों में भी इस हाईवे पर होने वाली अनियमितताओं को लेकर। एक बार फिर समीर वर्तक आज काफी गर्म मिजाज से, गुस्से में विरार के हाईवे खानीवाड़े टोल नाका पर पहुंचे और उन्होंने टोल नाका बंद करवाया। पिछले साल भी समीर वर्तक ने इसी मुद्दे को उठाकर टोल नाके को एक बार नहीं तो कई बार बंद करवाया था और उनकी मांग ये थी कि जब हाईवे अथॉरिटी और कॉन्ट्रैक्टर अगर लोगों को बराबर से सुविधाएं नहीं दे पाते हैं तो ये टोल वसूली बंद की जाए। तो कहीं ना कहीं इस बार फिर से बारिश शुरू हुई और पहली ही बारिश में जिस तरह से हालात हुए, जिस तरह से परिस्थितियां सामने आई, तो उसका ये एक प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है। समीर वर्तक फिलहाल आज ऐसी जानकारी है कि टोल खानीवाड़े टोल नाके पर पहुंचे हैं पूरी टीम को लेकर और वहां बवाल शुरू है। इस समय जो तस्वीर और वीडियो हमारे पास आई है वो भी चंद घंटे पहले की है और पूरी तरह से विरार खानीवाड़े टोल नाके को बंद करवाया गया है। वीडियो में आगे देखें क्या कुछ हुआ और इस टोल नाके को बंद करवाने के समय समीर वर्तक ने क्या कुछ कहा। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन बटन दबाकर हमें आर्थिक रूप से सहयोग जरूर कीजिए। नमस्कार। मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावर मागील चार महिन्यापासून कॉन्क्रीटीकरणाचं काम चालू आहे जे अनावश्यक आहे। डांबराचे रस्ते व्यवस्थित असताना अनावश्यकपणे ठेकेदाराचे किसे भरण्यासाठी ठेकेदाराला कॉन्क्रीटीकरणाचं काम दिलेलं आहे। चार महिन्यात योग्यरित्या ठेकेदाराच्या मार्फत कॉन्क्रीटीकरणाचं काम झालेलं नाहीये, निकृष्ट दर्जाचं काम झालेलं आहे। त्याचप्रमाणे सुरक्षिततेच्या बाबतीत कॉन्ट्रॅक्टरनी फार मोठा हलगर्जीपणा केलेला आहे, त्याच्यामुळे शेकडो नागरिक जात आहे।
म्हणजे ह्यांच्यामध्ये नक्कीच ठेकेदार आणि हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये काहीतरी साटेलोट आहे. म्हणूनच आम्ही वसईमध्ये येणाऱ्या मांडवी, पेल्लार, नायगाव, वालीव चारी पोलीस स्टेशनमध्ये अधिकृतरित्या संबंधित कॉन्ट्रॅक्टर आणि त्या हायवे अथॉरिटीच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांवरती गुन्हा दाखल करा, सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा. आणि त्याचबरोबर ज्या लोकांचं नुकसान झालेलं आहे, बळी गेलेले आहेत, जीव गेलेला आहे, जायबंदी झालेले आहेत, त्यांच्या कुटुंबियांना मोबदला किंवा नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे म्हणून मागणी केलेली आहे. जोपर्यंत आमची मागणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत हा मी टोल नाका चालू होऊन देणार नाहीये. कारण नागरिकांच्या खिशातून एका बाजूने पैसे काढायचे आणि दुसऱ्या बाजूला नागरिकांना त्रास देण्याचं काम या हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून चालू आहे. हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें.